चलिए तो अब देखते हैं हम लोग जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसकी संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की संरचना पे बात करते हैं। सी, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अगर आता है एग्जाम पे तो ध्यान रखना वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका पूछा है कि एजेंसीज के बारे में लिखो या ऑर्गन के बारे में लिखो, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंग को पूछ रहा है या उससे संबंधित संगठनों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद ही इस चीज़ों को समझना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ को पढ़ना है उसके अंदर। पर अगर आप स्ट्रक्चर, जो यूनाइटेड नेशन की मूल ढांचे की बात करते हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उस चार्टर में उसके टोटल 6 ऑर्गन बताए गए हैं। कितने हैं आपके? टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। और 6 ऑर्गन जो हैं आपके, जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? आपका यूनाइटेड नेशन महासभा, ठीक है, आपके जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपकी सुरक्षा परिषद, साथ ही साथ क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आपके न्यास परिषद, और आपका क्या है, सचिवालय होता है, सचिवालय के साथ साथ आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या उसको क्या बोलते हैं लोग, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये टोटल 6 हैं। इन 6 में से अगर आप देखेंगे तो जो आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो इकलौता ऐसा इसका ऑर्गन है या इसका अंग है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में नहीं होकर वो आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क से बाहर नीदरलैंड, आपका जो हॉलैंड है उसमें एक सिटी है, सिटी का नाम है हेग सिटी। तो हेग में है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर, बाकी सारे के सारे ये कहाँ पर हैं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन 6 को समझते हैं, इसमें क्या क्या है। इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेना जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, और आप बाद में इसको लिखेंगे भी आपका एग्जाम्स में भी, तो आपको ये क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा और आप उस चीज़ को अच्छे से डिलीबरेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग आपका महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो टोटल अगर इसको समझते हैं तो इसके टोटल सबसे पहले देखेंगे हम कंपोजिशन की, कौन कौन से राज्य इसके, देश इसके मेंबर हैं। तो याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र के, टोटल 193 कंट्री हैं अभी, तो ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के क्या हैं, पार्ट है। और सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सब अगर वोटिंग करते हैं कभी तो सबके वोट का वैल्यू इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि किसी की कंट्री का वोट का ज़्यादा है वैल्यू, किसी कंट्री के वोट के वैल्यू ज़्यादा नहीं, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। कभी भी वोटिंग होगा तो सबका वोटिंग इक्वल होगा। उसके बाद अगर इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे, देखिए उद्देश्य जो आपका मेन उद्देश्य जो हमने आपको यूनाइटेड नेशन किसका बताया, पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र का, वही रहेगा इन सब का भी। उसमें से कुछ कुछ उद्देश्य की पूर्ति ये सारे के सारे मिलकर करेंगे। ठीक है, तो अगर फंक्शंस एंड उसके कार्य को देखते हैं तो ये क्या है, मेनली जो आपका जनरल असेंबली है ये अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं इंटरनेशनल, ये उसका कोडिफिकेशन, मतलब उस न्याय को क्या करेगा, ये उस लॉ को बनाएगा। साथ ही साथ ये पॉलिसी मेकिंग, जितने भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग का काम भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन करता है, UNGA करता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पॉलिसी बनाना हो या हमारे यहाँ लॉ बनाना हो तो कहाँ बनती है, संसद में बनती है। तो इसको एक तरह से मान क्या बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संसद भी है, बट आपका क्या है, यहीं पर सारी पॉलिसी और आपके इंटरनेशनल लॉज बनते हैं। फिर अगेन यूनाइटेड नेशन का जितना भी बजट है, जो भी वो पैसे कहीं से उसको कोई डोनेशन दे रहा है या वो कहीं से कमा रहा है या कहीं पर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो आपको उसका बजट है उसको कौन देखता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही देखती है। ठीक है, अगेन जो नॉन परमानेंट मेंबर, जो देखिए अभी दूसरा ऑर्गन पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, तो उसमें कुछ परमानेंट मेंबर हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो जो उसके अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर है उसका भी चुनाव जब होता है तो उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका UNGA ही करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको अपॉइंट करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो महासचिव होते हैं आपके, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, UNGA करता है। तो याद रखना दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये कर रहा है, दोनों को याद रखेंगे। इसके बाद जितने भी आपके मानव अधिकार और क्या है आपका विधि का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना, ये दोनों भी कार्य कौन करता है, आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है। एंड बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज चलते रहते हैं वर्ल्ड पे, अगर यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस बेस होगा तो यही सब होगा कि ह्यूमन राइट कैसे इंश्योर करेंगे, कहाँ कहाँ पर ह्यूमन राइट का दिक्कत है। रोहिंग्या का प्रॉब्लम आया था बीच में तो उनको स्टेटलेस बोल दिया म्यांमार ने, वो इधर उधर माइग्रेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन कर रहे थे, रिफ्यूजीज़ के क्राइसिस हैं, तो ये सारे के क्या सबसे बड़ा बात होता है आपका, उनका मानव अधिकार जो है ह्यूमन राइट है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, कैसे उसको इंश्योर कराना है, तो वो सारा कार्य भी कौन करता है, आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है। साथ ही साथ इसके जो बचे हुए अंग हैं, स्पेशली आपका सिक्योरिटी काउंसिल,
जो सुरक्षा परिषद है और बचे हुए अंग, तो वो जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो सारे के सारे रिपोर्ट्स कहाँ पर रखे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और अगेन उस पर वहाँ पर विचार होता है। तो एक प्रकार से क्या है, एक संसद की तरह ही कार्य कर रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर बजट से लेकर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कशन से लेकर हर चीज़ यहाँ पर की जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे। तो ये उसका काम था। और मेनली आपका उद्देश्य जो है, आपका यूएन का जो है, उसमें से आप कोई भी उठा के किसी के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे के सारे कार्य करते हैं, क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल को समझते हैं, तो अगेन सबसे पहले उसका हम लोग क्या देखेंगे, कंपोजिशन। सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा, यूएनजीएम कितने मेंबर्स थे, 193, मतलब जो भी मेंबर सारे के सारे। तो यूएनएससी जो है सुरक्षा परिषद, यहाँ पर होते हैं आपके टोटल 15 मेंबर, और उस 15 में से 10 जो है वो क्या है, अस्थाई और नॉन परमानेंट मेंबर, और इंडिया क्या है, एक नॉन परमानेंट मेंबर है। साथ ही साथ इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं जो स्थायी सदस्य हैं, उनको बोला जाता है P5 नेशन, और ठीक है। और ये जो 5 नेशन है इनके पास क्या है, वीटो पावर है, मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, कोई भी डिसीजन लेना है, तो किसी एक कंट्री की मना कर देने से वो डिसीजन पूरा नहीं होगा। तो इतना बड़ा वीटो पावर हर एक कंट्री के पास है, ठीक है। और इसका जो कोई भी एक हेड होता है, इन पांचों में से ही राउंड रॉबिन फैशन में बनाते हैं कि एक बनेगा, फिर उसका दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, इस तरह से। तो एट प्रेजेंट इसका जो हेड है वो कौन है, चाइना है। और इसके कारण अभी देखो ये जो COVID-19 वाला वायरस आया जो चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि यूनाइटेड नेशन इसके लिए किसी ने बातें नहीं किया, और जैसे कोई बात करने के लिए जाते हैं तो चाइना क्या करता है, उसको वीटो आउट कर देता है कि नहीं, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो क्या है, इसका मुद्दा नहीं है। क्योंकि अभी वो क्या मान रहे हैं, वो मेडिकल इमरजेंसीज की तरह दिख रहे हैं, पर बाकी वर्ल्ड क्या बोल रही है, ये बायोलॉजिकल वेपन है। अगर बायोलॉजिकल वेपन है तब फिर हमारा क्या है, सुरक्षा परिषद का एक उद्देश्य है जिसमें उसने क्या बोला है कि डिसआर्ममेंट करेंगे। डिसआर्ममेंट मतलब जितने भी वेपन्स हैं उसको ख़त्म करना, तो अगर वेपन को ख़त्म करना तो इन सब के लिए बात होगी, और बात करेंगे कहाँ पर, यहीं पर। तो इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, बार बार वीटो आउट कर रहा है इस नाम से कि वो आपका बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट है देखेंगे। और यही जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, इसमें इंडिया को भी मेंबरशिप चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चैलेंज बात चल रही है, वहाँ जाने से क्या फ़ायदे होंगे, उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ को हम लास्ट में जब करंट अफेयर सेक्शन देखेंगे इसी के रिगार्डिंग लास्ट में, तो उसमें पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और इसकी 4 कमेटीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की 4 कमेटी है। और वो 4 कमेटी, एक होता है आपका जो जितने भी आतंकवाद समस्या हैं, काउंटर टेररिज्म, उसके रिलेटेड काम करती हैं। एक होती है मिलिट्री स्टाफिंग, जो आपके यहाँ पर मिलिट्री बनेगी उसके लिए। नॉन प्लोरीफरेशन मतलब जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स ये सारे हैं, उसको रोकना है तो उसको बढ़ने नहीं देना, उसके लिए आपकी एक कमेटी है। और सैंक्शन कमेटी, अगर कोई भी गलत करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर सैंक्शन लगाते थे। सैंक्शन मतलब फिर उस कंट्री से कोई ट्रेड नहीं करेगा, उस कंट्री के साथ कोई जुड़ेगा नहीं, जैसे ईरान पर सैंक्शन लगा रहे थे, ठीक है। अभी देख रहे हो ईरान फिर टैंकर वॉर चालू हो गया था कुछ दिन पहले, सैंक्शन लगाया था यूएसए ने, तो खैर इसने नहीं लगाया था, उसने यूएसए ने सैंक्शन लगाया था। तो इसी तरह इन लोग भी किसी कंट्री को ये बोल देंगे कि नहीं आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो हम सैंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो वो सारा कार्य भी यहाँ से होता है। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो फिर अगेन आपका वर्ल्ड पीस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आपकी शांति, इसका बहाल करना, अलग अलग राज्यों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन बनाकर देना, ताकि प्रमोशन करना कि आप आइए और आपस में बैठ के बात करिए और चीज़ों को ठीक करिए, ठीक है। और एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करके दें, जितने भी ह्यूमन राइट्स के लिए समस्याएं हैं, जितना भी इंटरनेशनल सॉल्यूशंस दे सकते हैं उस सारी चीज़ पे, उसके ऊपर भी काम करता है हमारा यूएनएससी, ठीक है। फिर जो अलग अलग कंट्री हैं तो उसके लिए बीच में ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कराने का कार्य भी करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जहाँ पर जो भी डिसीजन होती है, जब इनकी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर जो भी डिसीजन होती है वो क्या होती है, वो बाइंडिंग होती है। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एक बार जो भी डिसीजन ले लिया गया तो वो सारे के सारे कंट्री को उस डिसीजन को मानना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये वर्क करता है, जैसे कि अगर मान लो दो राज्य, दो देश के बीच कोई डिस्प्यूट्स आ गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद को ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। जाके देखेगा कि मामला क्या है, कैसा है, इन्वेस्टिगेशन करेगा, पर डिसीजन ये नहीं देगा, ये खाली इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद वो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे और वहाँ से उसका डिसीजन दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ डिसआर्ममेंट, अभी मैंने बात किया कि जितने भी हथियार बन रहे उसको क्या करना है, धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि मेन तो इसीलिए बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर में इतना कुछ देख लिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स गिर गए, तो एकदम से डर गए ना कि न्यूक्लियर वेपन बन गया। मतलब आइंस्टाइन ने जब थ्योरी दिया था तभी बोल दिया था, और उसके बाद जब न्यूक्लियर वेपन बने तो उसको क्या बोला गया, लोगों ने बोला कि नहीं ये सबसे खतरनाक हथियार है, पर क्या बोल, उसके साथ साथ एक चीज़ और भी बोला जाता है कि यही न्यूक्लियर वेपन के कारण आगे कोई वॉर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन ही कोई गिरा देगा तो फिर लड़ने का क्या मतलब है। तो ये एक
डिस्ट्रक्शन का भी पॉइंट था, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं ऐसी चीज़ों को रखना ही क्यों है जो डिस्ट्रक्शन कभी भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी से बात उठा और एक डिसआर्ममेंट की बात करने लगे कि धीरे धीरे अपने जितने भी वेपन्स हैं सारी चीज़ को ख़त्म करते जाओगे, तो ये वाला काम भी आपका सिक्योरिटी काउंसिल कराती है। ठीक है, अगेन किसी कंट्री के अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ है, कोई भी मिलिट्री एक्शन किसी ने लिया, तो ये पूरे के पूरे मिलकर उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, और जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके जो जजेस को जब चुना जाता है तब क्या करते हैं, और जो इवन इसके जो मेंबर्स होते हैं तो उसके लिए जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो अपॉइंट करती है तो उस अपॉइंटमेंट खाली करती है, तो उसको यहाँ से बताता कौन है कि रिकमेंड कौन करता है किसको अपॉइंट करना, तो वो आपका कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है। ठीक है, वो ध्यान रखेगा। इसका जो तीसरा ऑर्गन है उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, तो इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 8 फंक्शनल कमीशन हैं जो वहीं पर बैठकर कार्य करते हैं, और 5 इनके क्षेत्रीय यानी कि रीजनल कमीशन है। इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस पे है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि किस किस कार्य कौन कौन से कार्य करता है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो जितने भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ हैं, आर्थिक और सामाजिक इश्यूज़, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कैसी पॉलिसी बनेगी क्या बनेगी उस पर ये वर्क करता है और उस तरह से कार्यों को साथ कराता है। किसके पास जाते हैं, फिर UNGA पे, वहाँ पर उसकी पॉलिसीज़ बनती हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल इशूज़ जब आर्थिक सामाजिक देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ठीक है, आपका एजुकेशन, तो ये सारे चीज़ को कंसिडरेशन कौन करता है, ये आपका जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है तो आपके एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे बात करता है और उसके रिलेटेड ये वर्क भी करता है। तो इसका मेन कार्य जो है आपका क्या है, सामाजिक उत्थान, सोशल डेवलपमेंट, आपका जितने भी ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें हैं इनको बैन कराना, ये सारी चीज़ों पे ये वर्क करेगा। क्रिमिनल प्रिवेंशन, आपका क्रिमिनल जस्टिस की बात करेगा कि कोई कहीं पर भी कानून को तोड़ा ना जाए और कानून के हिसाब से सब कोई चले। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका जितना भी साइंस एंड प्रौद्योगिकी ये सारी चीज़ों पर वर्क करना है उसके क्षेत्र पर ये कार्य करता है। और वुमेन, आपका वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का उत्थान के स्टेटस, उसके लिए भी सारे के सारे कार्यों को देखता है। आपका इकोनॉमिक एंड सोशल, सीधी बात है इकोनॉमिक तो याद रखना, आर्थिक विकास के लिए जो जो कार्य करना है वो सारे के सारे यूएन के अंदर कौन देगा यही बताएगा, और जितने भी सामाजिक कार्य, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें से और कुछ ऐड कर सकते हैं, ये आपके कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं, और आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल में यही चीज़ है कि अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो ये वर्क नहीं करता, 1994 के बाद ये बंद हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो ये फिलहाल वर्क नहीं करता है। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे था। इसमें क्या होता था, जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो आपके सुरक्षा परिषद थी, सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट स्थायी सदस्य थे वही इसके सदस्य थे। और उस समय क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो आज़ादी जिनको नहीं मिली थी, लिबरेट नहीं हुए थे, तो वो ट्रस्ट की तरह कई कई कंट्री पैसे लगा के या तो उसको ट्रस्ट की तरह वहाँ पर वर्क करते थे, तो वैसी कंट्रियों का हेल्प करना, वहाँ के लोगों को हेल्प करना ताकि वो अपने अधिकारों को रख सकें। और बाद में ऐसे बहुत इतना अच्छा कार्य किया कि 1994 से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह थे जो ट्रस्ट के अंदर थे, उन लोगों ने आज़ादी, अपना खुद का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया और इंडिपेंडेंस गेन किया। तो उसके बाद ये 1994 में बंद हो गया। अभी ये क्योंकि अभी कोई भी कंट्री ऐसा गुलाम और इस तरह से चल नहीं रहा है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस इनका इन्होंने दिलाया था और नाम पर करता था उस समय, तो अलग से देखेंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अच्छा, जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो लीग ऑफ नेशन जब बना था तो उसी समय एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी के पार्ट थी, जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उस समय बना था। और वही आगर चल के आपका क्या बनता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में। ठीक है, तो इसके टोटल 193 मेंबर, अगेन जितने मेंबर यूनाइटेड नेशन के वो सारे के सारे भी इसके मेंबर हैं, तो 193 मेंबर हैं। अगर इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, सॉरी हेडक्वार्टर नहीं, इसके आपके 193 मेंबर हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल 15 जजेस हैं। तो इस न्यायालय में कितने जज हैं, 15 जज हैं, और सारे के सारे का जो टेन्योर है, कितने साल कार्य अवधि जो है वो उनका 9 सालों का है, तो 9 साल के लिए आते हैं। और इनको इलेक्ट करते हैं जो, तो ये मतलब ये क्या होते हैं, चुनाव के थ्रू होते हैं, तो ये इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो महासभा है, और आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ के लोग इनको इलेक्ट करते हैं 15। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज तो अगेन इंग्लिश और आपका फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच पे ही ये कार्य करते हैं वहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर बाकी से अलग है, हेग में है, नीदरलैंड में। बाकी सबके कहाँ पे थे, आपके न्यूयॉर्क पे थे। इसका ऑब्जेक्टिव अगेन ये क्या है, इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, तो न्याय का कार्य करेगी, जुडिशियल बॉडी है, और जितने भी अलग अलग जो देश हैं इसके बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी विवाद है, उसको सुलझाने का कार्य करता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेनली ये लीगल एडवाइसेस,
जो भी न्याय के संबंधित एडवाइस हैं वो सारे के सारे एडवाइस देगा अलग अलग कंट्री को, लीगल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कराने की कार्य करेगा, ठीक है। और मोस्टली इसमें जो भी जो केसेस जा रहे हैं तो वो केसेस या तो ये अपना वर्डिक्ट से ख़त्म हो जाएंगे, केसेस में होगा क्या जो जो भी दो राज्य के, या तो वो दोनों वहाँ पर गए और इंटरनेशनल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उस डिसीजन से सॉल्व होगा। हो सकता है कि सेटलमेंट जो है डिस्प्यूट का, मतलब डिसीजन देने से पहले ही वो कोई पार्टी उस केस को वापस दे ले, तो अलग अलग तरीके से वहाँ पर केस लड़े जाते हैं और केस को रिजॉल्व किया जाता है। और इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग का कुलभूषण यादव वाला केस अभी चल ही रहा था पाकिस्तान और इंडिया की, वो हमारे यहाँ से गए थे स्पाई बोलकर और वो रखा हुआ है पाकिस्तान में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस तरह के सारे मैटर को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो लास्ट है आपका वो क्या है, यूनाइटेड नेशन की सचिवालय जो सेक्रेटरीट है, तो सेक्रेटरीट तो उसमें हेड कौन है, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल होंगे यूनाइटेड नेशन के, जो मुख्य सेक्रेटरी जनरल, तो उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। तो उनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और इनमें टोटल 193 मेंबर नेशन है मेनली। अब ये जो है सेक्रेटरीट, जो है सेक्रेटरीट है ये स्पेशली कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन जैसा वो नहीं है कि आपका कहीं पर कार्य कर रहा है, वहीं पर रहकर ये अलग अलग चीज़ों को, गोल को अटेंड करने के लिए बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, लीड करेगा कि आप इस क्षेत्र में कार्य करिए, इस पे करिए, और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ये देखेगा। तो मेनली इसका जो गोल है वो क्या करना है, फिर वही सुरक्षा, आपकी शांति, डिसआर्मामेंट, गरीबी को ख़त्म करना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। तो मेनली याद रखना जो मेन एक ऑब्जेक्टिव था वही है, और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग आपके 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनाए गए थे। और वो 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, और जिस तरह से हमने डील किया, ये सारे के सारे को आप इस तरह से पढ़ेंगे। आगे जो का जो सेक्शन है वो आपका कल आपके लेक्चर 2 में लेकर आएंगे, और कल साथ कोशिश करेंगे कि आपका यूनाइटेड नेशन को हम पूरा रैप कर दें उसमें। थैंक यू ऑल।